अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास ग्रेड फिफ्थ के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 से लेके 7 तक, अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हुए, वहां से आप उनको पहले देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ये वर्ड्स में है, थोड़ा टेक्निकल है। तो कहते हैं अ फार्मर सॉर्ट वीट इन 2/3 पार्ट ऑफ हिज फील्ड, यानी कि कोई फील्ड है, उसका कोई खेत है, तो उसमें 2/3 हिस्सा उसका, 2/3 पार्ट जो उसकी फील्ड है उसका, वहां पे क्या करता है, वीट को सॉर्ट करता है, वीट को वो बोता है। तो कहते हैं कि एंड और वेजिटेबल जो है, सब्जियों जो है 1/4 पार्ट पे, और 1/4 पार्ट जो है उसमें क्या करता है, वो वेजिटेबल्स वहां पे लगाता है, ठीक है, या उसका बीज जो है बोता है। तो हाउ मच, कहते हैं हाउ मच ग्रेटर वाज द फील्ड यूज वर फीट, यानी कि वीट, यानी कि उसने वेजिटेबल्स भी लगाई 1/4 पार्ट पे और 2/3 पार्ट पे क्या, वीट। तो उसने वीट के लिए कितनी ज्यादा जो है वो लैंड या फील्ड जो है वो यूज की, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल्स के लिए उसने 1/4 यूज किया पार्ट, और वीट के लिए उसने 2/3। तो कहता है कि वीट के लिए उसने ज्यादा यूज की है, लेकिन वो कितनी है ये आपने बताना है, यानी वेजिटेबल जो है उसके लिए 1/4 है, तो इट्स मीन कि 2/3 वीट। तो इनका डिफरेंस हम मालूम कर ले तो जो बाकी बचेगा वो जाहिर डेफिनेट बात है कि हम ये जो वीट है उसके लिए उसने यूज की है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन देखें, 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4, ठीक है, तो 2/3, ठीक हो गया माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम, अब एक टेबल अगर दोनों पे नहीं जाए तो आप उस मल्टीप्लाई कर ले तब भी एलसीएम आ जाएगा, 4 × 3 = 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 3 का टेबल 12 के ऊपर 4 टाइम जाएगा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 4 का 3 टाइम जाएगा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये ठीक हो गया। तो अब आपके पास आ जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 3 × 1 = 3 / 12, तो 8 − 3 = 5/12। ये 5/12 जो है ये आपके पास पार्ट जो है ये मोर यूज हुआ किसके लिए, वीट के लिए, जो वो पूछ रहा है, ठीक है।